हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में, जैसे कि हम डिवाइस नेम कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और अबाउट डिवाइस पे जाएंगे। अबाउट डिवाइस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस नेम मिल जाता है, इसे आप चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर रखा है, ऊपर लिख रखा है। आप यहाँ से इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं रियलमी लिख लेता हूँ। ये देखिए रियलमी लिख लिया है और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपका ये सेव हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी रैम चेक कर सकते हैं, मॉडल चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ से आप एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं। इसको 2 से 3 बार आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पे जाएंगे, मतलब स्टोरेज पे जाएंगे तो आप अपने यहाँ पर स्टोरेज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से स्टोरेज चेक कर सकते हैं। और क्लीन करना चाहते हैं स्टोरेज को तो क्लीन कर सकते हैं। ऐसे कि आप देख सकते हैं मेरा 64 टोटल है स्टोरेज और 46 से यूज़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्टार्ट पर, स्टेटस पर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि बैटरी स्टेटस है और यहाँ पर बैटरी लेवल है। तो आपने यहाँ पर बैटरी लेवल शो नहीं कर रखा है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बैटरी लेवल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMEI नंबर है, तो IMEI नंबर 2 होते हैं, हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो 2 डिजिट होते हैं लास्ट के, वो चेंज होते हैं IMEI नंबर में। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।